जब बाहर घूमते हैं और अगर वॉशरूम के लिए सड़क किनारे या किसी नाले के किनारे चले जाते हैं तो आपके साथ भी एक घटना घटित हो सकती है। जी हाँ, ऐसा करने से आपकी जान पर बल पड़ सकता है, खास तौर पर बारिश के समय में। जी हाँ, ऐसी एक घटना सोमवार को नागपुर शहर के घाट रोड में सामने आई है। सोमवार को नागपुर शहर के विविध क्षेत्रों में दो बड़ी घटनाएं सामने आई है। सोमवार को शहर के घाट रोड स्थित नाग नदी में एक 28 साल का युवक गिरने से मामला गर्मा गया। दरअसल प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को घाट रोड निवासी शुभम हाथमोड़े नामक व्यक्ति किसी काम से बर्डी की तरफ जा रहा था। इसी दौरान घाट रोड के पास उसे बाथरूम लगी तो नाग नदी के किनारे वह गया, तभी उसका पैर फिसलन पर गिरा और वो नाग नदी में सीधे गिर पड़ा। आपको बता दें कि दो दिन से नागपुर शहर में हो रही बारिश से शहर के सभी नदी नाले उफान पर है। इस कारण शुभम गिरते ही बहने लगा। इस समय शुभम के साथ उसका एक दोस्त साथी था। उसने ये जानकारी तुरंत शुभम के घर वालों को दी। मेरा नाम सूरज है। आपके भाई का नाम बताएं, क्या रिश्ता है? मेरे भाई का नाम है शुभम बाबरा हाथमोड़े करके। वो बाथरूम कर रहा था घाट रोड पे तो उसका पैर फिसल गया तो वो गिर गया, बहते हुए चले गया। वो बॉडी से आ रहा था वो, तो वो बाथरूम करने रुक गया था वहाँ पे घाट रोड चौक पे नाले पे के पास में, तो वो पैर फिसल गया तो गिर गया। ऐसे ही गया था थोड़ा सा काम करने, बॉडी में काम करता तो उधर से आ रहा था वापसी, तो बाथरूम लग गए होंगे इमरजेंसी, तो गिर गया वो। ये घटना सुबह 9:30 बजे के करीब की है। घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग और बचाव दल को दी गई। जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग और बचाव दल की टीम बचाव कार्य में जुट गई और जगनाड़े चौक स्थित नाग नदी पर बचाव हेतु जाल बिछा दिया गया, मगर फिलहाल खबर लिखे जाने तक शुभम का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उसके लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसी के।